इस गर्मी में ना सवेरे सवेरे जैसे उड़ते हो ना वैसे आइस रगड़ लिया करो, राज्य बन जाओगे राज्य। इनकी शुरुआत करते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई तिलक लगा के आ गया है मंदिर से वापस। घर में भी पूजा करता है, मंदिर में भी पूजा करता है, बहुत पूजा करता है तुम्हारा भाई। भाई बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये नहा के क्यों जिम जाता है, क्योंकि मैं अभी जिम जाऊंगा ना। तो आपको एक बात बताऊँ, सीक्रेट बात, मेरी मम्मी जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत। कहीं भी जाना है तो नहा के जाना है, चाहे तुम मंदिर जाए चाहे जहाँ मर्जी जाए। और चीज़ बताऊँ, हम आए थे वैष्णो देवी से, 12 बजे हमारी ट्रेन रुकी थी, 1 बजे घर आए थे, थके हारे, एकदम थके हारे, पूरे टूटा हुआ था पूरा शरीर। मम्मी ने 5-6 बजे उठा दिया, क्यों कहती नहा के फिर सो जाना। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, पर आप तो अच्छे हो ना। और गाइस मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है कि नहीं? नहीं। तैयार हो जाओ, मेरा शाउट होने वाला है, तुम डरने वाले हो, थोड़ा आवाज कम कर ले। सो हाय गाइस, तो हे गाइस वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग एंड सबसे खतरनाक वाला ब्लॉग, एंड वेलकम अगेन विद अ न्यू ब्लॉग। और सड़े हुए केले से करते हैं मेरी जिंदगी दिन की शुरुआतें, तो अभी इसको खा के जाएंगे हम जिम, क्योंकि सवेरे जिम जाने का बहुत फायदा है, जो कि हमारा पेट खाली रहता है और तगड़ा सा वर्कआउट होता है। खा लेते हैं इस काले काले कंदे केले को और इसकी पावर दिखाते हैं जिम में। जवानी आ रही है पूरे चेहरे पे अपने। चलना चूतिए, फोन टूट गया मेरा, चलो यार आगे मिलते हैं। बैड मॉर्निंग, ये सड़ा हुआ है ना, अभी दिखाता हूँ इसकी खासियत। अंदर से देखो कितना साफ है, ऐसा ही मैं हूँ यार। लोगों को लगता है मैं बुरा आदमी हूँ, लेकिन मैं अंदर से पूरा ऐसा हूँ, बाहर से ऐसा अंदर से ऐसा। सारे चढ़ जाओ, चले 20 किलो में गांठ टूट रही है। मैं दिखाता हूँ। वो बंदे मुझे कहते हैं ना, सारा चीज बना लिया, ऐप्स बना ले। तो भाई एक रीजन है ऐप्स क्यों नहीं बनाता मैं, आप दिखाता हूँ आपको रेंज अपनी बॉडी की, कि मेरी बॉडी कितना लिफ्ट करती है, कैसे होता है, क्या होता है, और पता चल जाएगा रीजन क्यों नहीं ऐप्स बनाता मैं। आवाज़ आ रही होती, थोड़ा मैनेज कर लेना आवाज़ में, क्योंकि पीछे गाने चल रहे हैं। स्वर्गीय समझ लो, नजारे आ जाएंगे नजारे।
सवेरे की मील होती है हमारी ये ओट्स, और इसमें होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस दूध होता है, ओट्स होता है और हल्की सी शक्कर होती है गुड़ वाली। और मैं थोड़े ज़्यादा फैट लॉस में हूँ, चल गया हाथ, तो मैं इसमें दो ब्राउन ब्रेड डाल लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा देर तक फिल करके रखे पड़े, जो फैट लॉस में बहुत ज़रूरी आपको हेल्प करेगा। जो लोग भी फैट लॉस कर रहे हैं ना, करो यार। गाइज, हमारे फैट लॉस जर्नी में ना एक स्ट्रगलिंग फैक्ट आता है मेरी दिन में, क्यों मेरे को बैठाया जाता है इस दुकान में, और इस दुकान में ना बहुत चीज़ें हैं खाने की, मोटापे बढ़ाने की, लेकिन बहुत दिल को रोक के बैठा रहता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बैठता दुकान में। अगर मैं कुछ खा लूँगा तो मेरा पेट निकल जाएगा। तो भैया, तुम्हारे साथ भी होता है क्या? तुम सोचते हो एक घंटे के लिए सोऊं, लेकिन सो जाते हो पाँच घंटे के लिए। अभी इतनी बेकार मौसम चल रहा है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं, कुछ भी हो रहा है यार, आदमी किसी के बस ही में नहीं है। भाई, अब की सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। अभी बताऊँ क्या हुआ, अभी आप गए थे कैडियो करने और पैसे बनाए बिग डैडी से, कितने हुए? 200 बनाए। 30 रुपए से बनाया 200, और खाने आगे एग रोल, अभी तक प्रोसेसिंग हुआ नहीं है, पैसे अभी तक बैंक में आए नहीं है और हम खा रहे हैं और एग रोल खा लिए हैं, अब देखते हैं पैसे कैसे दियाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, ये बैठ के वहाँ पे भीख मांग लेगा और तू क्या कर देगा, क्या कहेगा बाकी देखते हैं क्या होता है। पुड़ी जट दी पर है ग्रैंड से दूर तो पचाने ओ यार, कोई आल्टो, वो क्या कहते हैं, मेरे को मारुति दिला दे साले, क्या करेगा, उसको चलाऊंगा यार, मारुति चला के छत कटवा देंगे पहन दिल। हाँ वे रूबी कौन नहीं पहन दे यार। तो गाइस, फाइनली धीरज ने मार लिया उसके चुप्पे, तो उसने हमें छोड़ दिया। तेरी मारी इतना मास्टर, तो तू है साले, फोन ऐसे कोई उठा के ले गया तो तेरी गाड़ी फटेगी बहनचोद, हमारे को क्या यार, उठा के बोले आई आगे मैं। हाय गाइस, मैंने इस मादरचोद का फोन जी थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के